देखिएगा पॉइंट नंबर सिक्स, हाउ टू कैलकुलेट हाउ टू कैलकुलेट प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस ऑन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। ऑन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट देखिएगा, हम अपने ईयर टू ईयर बेसिस पर अमाउंट ट्रांसफर्ड टू पीएनएल निकाल रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट का, सॉरी, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पर पर्टिकुलर ईयर में प्रॉफिट का कितना अमाउंट हमारा पीएनएल में रिकॉग्नाइज हो पाएगा इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बट इट मे बी पॉसिबल कि किसी पर्टिकुलर ईयर में हमारी कॉस्ट बहुत ज्यादा इनकर्ड हो गई हो और स्टेज ऑफ कंप्लीशन के कम रह जाने की वजह से हमारे पास रेवेन्यू कम रिकॉग्नाइज हुई हो, तो द रिजल्ट विल बी लॉस इन अ पर्टिकुलर ईयर। और इट मे बी पॉसिबल कि हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट का जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट है वो रेवेन्यू से बहुत ज्यादा आ रही हो, यानी आज तो प्रॉफिट है, यानी इस पर्टिकुलर ईयर में तो हमें प्रॉफिट नजर आ रहा है, बट हमें यह दिखाई दे रहा है कि फ्यूचर में कॉस्ट इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आपकी ये जो कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, रेवेन्यू से एक्सीड कर जाएगी। तो A7 बोलता है कि इन केस इन योर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट टोटल कॉस्ट एक्सीड्स कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, तो आपको आज ही उस फ्यूचर के लॉस का क्या बनाना पड़ेगा, प्रोविजन बनाना पड़ेगा। यानी इसमें लिखो एस पर AS7 इफ एट एनी टाइम, इफ एट एनी टाइम ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट अवर टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, अवर टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एक्सीड कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू देन वी मस्ट क्रिएट प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस, प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस इन रेस्पेक्ट ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट, इन रेस्पेक्ट ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट। A7 क्या बोलता है, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट, अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है वो रेवेन्यू से क्या हो जाएगी, एक्सीड पहुंच जाएगी, तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए, एस पर A7 हमें अपनी बुक्स में वो जो एक्सपेक्टेड लॉस आने वाला है उस लॉस का प्रोविजन आज ही बना लेना चाहिए एज पर द प्रूडेंट कॉन्सेप्ट।
प्रूडेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में आपको नुकसान होने वाला है तो आज ही आप अपनी बुक्स में क्या बना लो, उसका एक प्रोविजन क्रिएट कर लो और आज ही पीएनडल में उसको क्या कर दो, डेबिट कर दो। तो उसी पॉइंट के आधार पर हमारे A7 में एक पॉइंट आता है प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस का। हमें कैसे पता चलेगा? दो तरह की सिचुएशन से पता लगेगा। जब हम क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं तो रीड करते समय ही आप ये देख लो कि अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आपकी टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट रेवेन्यू से क्या कर जाती है, एक्सीड, तो 100% उस कॉन्ट्रैक्ट में आपको फ्यूचर में क्या आने वाला है, लॉस होने वाला है। इट मे बी पॉसिबल कि करंट ईयर में लॉस हो भी या करंट ईयर में लॉस ना भी हो, बट अगर क्वेश्चन का डेटा हमें इस तरह से दिया गया है कि आपकी टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट किससे एक्सीड कर जाए, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू से एक्सीड कर जाए, तो तुरंत हमें अकॉर्डिंग टू A7 फ्यूचर में आने वाले उस लॉस का आज ही क्या बनाना पड़ेगा, प्रोविजन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे प्रोविजन का हम अमाउंट निकालेंगे, तो लिखो स्टेप्स टू बी फॉलोड, स्टेप्स टू बी फॉलोड। चलिए स्टेप 1, कैलकुलेट स्टेज ऑफ कंप्लीशन, स्टेज ऑफ कंप्लीशन इन यूजुअल मैनर। पहले हमारे पास जो करंट ईयर का डेटा होगा उस अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अपना स्टेज ऑफ कंप्लीशन उसी तरह से निकालेंगे जैसे कि हम निकालते हैं। देन स्टेप 2, स्टेप 2 कैलकुलेट कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू फॉर द पीरियड, या कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू फॉर द पीरियड मत लिखो क्योंकि हम टिल डेट निकालते हैं, तो कैलकुलेट कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इन इट्स यूजुअल मैनर। रेवेन्यू भी आप उसी तरीके से निकालोगे जैसे हम निकालते आए हैं, इन इट्स यूजुअल मैनर। यानी हमारी शुरू की 3 स्टेप्स तो क्या रहेंगी, सेम, और स्टेप 3 कैलकुलेट कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस टू बी रिकॉग्नाइज्ड, कैलकुलेट प्रॉफिट / लॉस टू बी रिकॉग्नाइज्ड, फॉर पर्टिकुलर पीरियड पर्टिकुलर पीरियड इन यूजुअल मैनर। वो भी इसी तरह से चलेगा जो हमने सीखा। बट नाउ एज वी नो कि अवर टोटल कॉस्ट एक्सीड्स रेवेन्यू है, तो नाउ स्टेप 4 हमारी एक एक्स्ट्रा क्रिएट हो जाएगी। तो लिखो स्टेप 4, स्टेप 4 कैलकुलेट कैलकुलेट प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस, कैलकुलेट प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस इन द फॉलोइंग मैनर, इन द फॉलोइंग मैनर। और ब्रैकेट में लिख लेना क्यों ये कैलकुलेशन हो रही है, सिंस टोटल कॉस्ट
एक्सीड्स कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू से हमारी जो कॉस्ट है वो क्या हो गई, ज्यादा हो गई, इसलिए हमें ये कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। तो सबसे पहले लिखेंगे टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, फिर लिखो, ये तो ए पॉइंट हो गया, फिर बी पॉइंट लिखोगे टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, तो ए माइनस बी हमारा टोटल लॉस आ जाएगा, यानी इस कॉन्ट्रैक्ट के कंप्लीशन तक हमारा टोटल इतना लॉस बनता है। हमारी कॉस्ट हमने लिख दी, हमारी रेवेन्यू हमने लिख दी, तो ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल कॉस्ट, टोटल लॉस आ गया, ठीक है। लेकिन इस लॉस में से कुछ लॉस तो करंट ईयर का भी है, क्योंकि करंट ईयर का जब हमने निकाला तो लॉस आया, तो इसमें से लेस कर देंगे करंट ईयर लॉस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड, ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड, क्योंकि प्रोविजन केवल फ्यूचर के लॉस का बनेगा, करंट ईयर के लॉस का कभी भी प्रोविजन नहीं बनेगा। करंट ईयर का लॉस तो ऑलरेडी पीएनडल में ट्रांसफर होगा, तो अब ये आ जाएगा आपके पास प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस, ये लीजिए, ये आपके पास प्रोविजन का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, एक दो इस पर। क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 199। पेज 199 देखो क्या बोल रहा है, सुनना। अ फर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्टर ऑब्टेन्ड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज ओवर द रिवर रेवती। द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल इन द रिकॉर्ड्स केप्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2008। टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे रखी है 1000, वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू दे रखी है 500, वर्क अनसर्टिफाइड की वैल्यू दे रखी है 105, एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट दे रखी है 495, प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड 400 है, टू बी रिसीव्ड 140 है। इसने आपसे A7 का कंप्लीट असिस्टेंस मांगा है, बट अभी हम बात कर रहे हैं केवल अपनी, जहां तक हमने पार्ट पढ़ा, फिर हम लेटर ऑन बात करेंगे। अब देखो अगर मैं ध्यान से इसको देखूं तो जरा मैं कॉस्ट को जोड़ता हूं, देखो वर्क सर्टिफाइड 500 हो गया, प्लस वर्क अनसर्टिफाइड 105 आ गया, और प्लस फर्दर कॉस्ट 495 लगेगी, तो अगर इसका टोटल करोगे तो ये 1100 हो गया, यानी टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एक्सीड्स कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू तो दे रखी है 1000, लेकिन अगर मैं टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट निकालता हूं तो मेरी कितनी आ रही है, 1100। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे फ्यूचर में क्या देने वाला है, लॉस देने वाला है। तो यानी मुझे इस क्वेश्चन में यह पहले से ही पता लग जाना चाहिए कि मुझे अब क्या बनाना पड़ेगा, इसमें एक प्रोविजन की कैलकुलेशन करनी है, बट वो लेटर ऑन, पहले हम अपनी नॉर्मल स्टेप्स को लगाएंगे। चलिएगा, सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन, स्टेज ऑफ कंप्लीशन, कैसे निकालते हैं, कॉस्ट इनकर्ड, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट डिवाइडेड बाय टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इंटू 100। अब की बार मुझे कॉस्ट की कैलकुलेशन के लिए क्या दे रखा है, मुझे वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड की वैल्यू, तो चलिए हम स्टेटमेंट बना देते हैं। बताइए वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड
बताओ वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू कितनी है? 500 हमारी वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू आ गई। इसमें प्लस करेंगे वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, कितना? 105। तो टोटल आ गया 605। ये आ गई आपकी कॉस्ट इनकर्ड। हाँ, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट, बोलो क्लियर यहां तक। अब इसमें प्लस कर देंगे, हाँ, फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट, फर्दर कॉस्ट कितनी? तो ये आ गई टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 1100। ठीक है यहां तक। चलिए अब हमने ऊपर फॉर्मूले के वहां पर जो जगह है हमारे पास, हम निकाल देते हैं। तो देखिए कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट है 605, 605 ही ना, डिवाइडेड बाय 1100 इंटू 100। बताओ हमारे पास आ गया 55%, यानी हमारा स्टेज ऑफ कंप्लीशन जो है वो कितना हो गया? 55%। ठीक, बिल्कुल। चलिए अब स्टेप टू क्या थी हमारी? कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कोई चेंज नहीं है, तो 1000 ही रहेगी कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आपकी। अब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस फॉर द पीरियड, चलिए सबसे पहले निकालेंगे कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू टिल डेट। कहां पर? हाँ, फॉर द पीरियड ही निकालते हैं ना अपन तो। लेकिन अगर ये पहले ही साल है ना, प्रीवियस ईयर का डेटा ही नहीं है, तो टिल डेट भी वही रहा और पीरियड भी वही रहा। अदरवाइज पहले टिल डेट तक का ही निकलता है, फिर माइनस करते हैं, तो निकालना जो होता है अल्टीमेटली वो फॉर द पीरियड ही निकालना होता है। हाँ, तो स्टेटमेंट का जो नाम होगा वो हमेशा फॉर द पीरियड का प्रॉफिट लॉस हम निकालेंगे, पहले टिल डेट तक का एंड देन फिर। तो देखो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू थी 1000 इंटू 55%, तो रेवेन्यू आ गई 550 लेस कॉस्ट इनकर्ड, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट कितनी थी? 605। तो लॉस कितना आ गया? अब प्रीवियस का कुछ है नहीं अभी, तो ये हमारा लॉस फॉर द पीरियड हो गया। नाउ अब हमें ये देखना है कि कहीं ये लॉस फ्यूचर में और तो नहीं बढ़ रहा, क्योंकि अगर ये लॉस बढ़ रहा है तो मुझे फ्यूचर के लॉस का आज ही क्या बनाना पड़ेगा? प्रोविजन। तो वो मैंने इनिशियली देख लिया था कि मेरी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट तो लग रही थी 1100 और कॉन्ट्रैक्ट की रेवेन्यू कितनी थी? 1000। तो मेरा टोटल लॉस कितना होना है? 100 का, उसमें से 55 का तो इसी साल हो गया, तो फ्यूचर में और कितना लॉस होगा? ठीक है, तो अब हमें फोर्थ पॉइंट, प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस। तो देखो टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, बताओ टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू थी हमारी 1000, देन टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 1100, तो ये हमारे पास आ गया टोटल लॉस।
इसमें से लेस कर देंगे लॉस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड, जो लॉस इस साल ऑलरेडी रिकॉग्नाइज हुआ वो कितना है, 55। तो इसका मतलब प्रोविजन फॉर लॉस, प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस कितना बनाना पड़ेगा मुझे, 45 का मेरा प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस बनेगा। चलें आगे देख लो, बिल्कुल होगा तो नीचे वो हल्का हो गया होगा। हाँ बिल्कुल, अपने को सबसे पहले यही देखना है कि अगर कॉस्ट इनकर्ड वाला डेटा गिवन है तो उसी से सॉल्व करना है, बिल्कुल उससे कोई मतलब नहीं है अपने को। अपने को सिर्फ क्या करना है, बस ये देखना है कि अगर क्वेश्चन में कॉस्ट इनकर्ड का डेटा गिवन नहीं है तो हम वर्क सर्टिफाइड के द्वारा, जैसे इस क्वेश्चन में हमें नहीं पता था कॉस्ट इनकर्ड, तो हम किसके ऊपर गए, वर्क सर्टिफाइड के ऊपर गए। क्वेश्चन नंबर 22, टू जीरो टू। अब देखो क्या बोल रहा है ये, सुनना। फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू द दिशितास कंस्ट्रक्शन जॉब विच कमेंस्ड ड्यूरिंग 92। दो प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट कर रखे हैं, प्रोजेक्ट वन और प्रोजेक्ट टू। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 420 एंड 3 लाख। कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग 92 आपको दे रखी है। एस्टीमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट आपको दे रखा है। बिल्ड टू कस्टमर आपको दे रखा है। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर आपको दे रखा है। इसने क्या पूछा है, व्हाट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट वुड दिशिता लिमिटेड रिपोर्ट इन इट्स 92 इनकम स्टेटमेंट, यानी आपको आपके पीएनडल में कितनी इनकम को दिखाना है। दोनों कॉन्ट्रैक्ट के रेस्पेक्ट में निकालेंगे और नेट अमाउंट पीएनडल में आ जाएगा टोटल। तो चलिए सबसे पहले तो दोनों का अलग अलग वर्किंग करेंगे। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट क्या होता है अपना, स्टेज ऑफ कंप्लीशन। ये हमारे पास है प्रोजेक्ट वन और ये हमारे पास है प्रोजेक्ट टू। हमें सबसे पहले चाहिए कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट। तो देखिए हमने 92 में ही कोई कंस्ट्रक्शन जॉब चालू किया है, तो यानी 92 की जो कॉस्ट है वही टिल डेट की हो गई। कितनी दे रखी है, 2,40,000 तो पहले प्रोजेक्ट के रेस्पेक्ट में और 2,80 हमारे दूसरे प्रोजेक्ट के रेस्पेक्ट में। यह हमें दे रखा है कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट। आगे चलो, टोटल कॉस्ट तो इसने एस्टीमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट दे रखी है, तो पहले मैं एस्टीमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट ही लिख लेता हूं, फिर टोटल निकाल देंगे। तो एस्टीमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट, काम को पूरा करने में यहां पर हमें कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे, 1,20, और इस प्रोजेक्ट में हमें खर्च करने पड़ेंगे 40,000। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट 3,60,000
अब हम निकाल सकते हैं परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट है 240 डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट है 360,000 इंटू 100, बताओ 66.67%। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, प्रोजेक्ट वन का स्टेज ऑफ कंप्लीशन आ गया। इधर हमारी कॉस्ट है 280 डिवाइडेड बाय 320 इंटू 100, कितना आया 87 पॉइंट, ये लीजिए ये हमारे पास आ गया। क्लियर? बिल्कुल। चलिए अब कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू हमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी दे ही रखी है कि भाई इसमें 420 है और इसमें 3 लाख है। तो चलिए अब हम सीधे प्रॉफिट का स्टेटमेंट बना दें। चलिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस प्रोजेक्ट वन के रेस्पेक्ट में और प्रोजेक्ट टू। सबसे पहले निकालेंगे कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। देखो प्रोजेक्ट वन में रेवेन्यू कितनी है 420 इंटू 66.67%, क्योंकि अभी काम इतना ही हुआ है तो आपके पास 420 इंटू 66.67% कितना आ गया 14 280014। और वैसे अगर अपन पूरा लेंगे तो शायद वो 280 आ जाएगा क्योंकि अपने पास 420 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, हाँ तो वो 280 ले लो आप राउंडेड ऑफ में, क्योंकि अपन ने क्या राउंडेड ऑफ वैसे कर दिया ना भाई, 66.67 का मतलब 2/3 हो गया। चलिए प्रोजेक्ट टू पे आ जाओ। प्रोजेक्ट टू की रेवेन्यू कितनी थी, तो 3 लाख का 87.5%, तो 262,500 ये हमारे पास इनकी कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आ गई। माइनस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, बताइए टिल डेट तक की कॉस्ट की थी पहले प्रोजेक्ट की कितनी थी, तो 240,000, तो यहां पर और यहां पर 280, तो ये हमारे पास आ गया प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। तो पहले कॉन्ट्रैक्ट में तो हमें 40,000 का प्रॉफिट है और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में 17,500 का लॉस। अब अगर 17,500 का लॉस है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें यह कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कहीं फ्यूचर में लॉस और बढ़ तो नहीं रहा है, तो अब हम प्रोजेक्ट टू के रेस्पेक्ट में प्रोविजन की कैलकुलेशन करेंगे। थर्ड पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस, बताओ टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितनी है हमारी 3 लाख। सेकेंड प्रोजेक्ट पर हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है वो कितनी है 3 लाख। टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 3,20,000 हमारी टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है। तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल लॉस, टोटल लॉस कितना आ गया बोलो, टोटल लॉस आ गया 20,000, लेकिन इसमें से 17,500 का लॉस तो हमारा ऑलरेडी रिकग्नाइज हो चुका है, तो इसमें से लेस करेंगे
लॉस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड कितना 17,500, तो प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस आ गया, प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस, हमें 2500 का प्रोविजन और बनाना पड़ेगा। क्लियर यहां तक? अब उसने पूछा है कि आपको यह बताना है कि दिशितास कंस्ट्रक्शन के पीएनडल में यानी इनकम स्टेटमेंट में क्या अमाउंट जाएगा, तो बनाइए इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट। चलिए इनकम स्टेटमेंट हम बना देंगे, प्रॉफिट इन रेस्पेक्ट ऑफ, इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट वन, प्रोजेक्ट वन के रेस्पेक्ट में 40,000 का प्रॉफिट आपके इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। फिर लॉस इन रेस्पेक्ट ऑफ, इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट टू कितना 17,500 का तो करंट ईयर का लॉस प्लस 2500 का प्रोविजन, दोनों ही पीएनडल में ट्रांसफर होंगे, तो दूसरे प्रोजेक्ट के रेस्पेक्ट में 20,000 का लॉस। तो ये लीजिए नेट इंपैक्ट, कितने का नेट इंपैक्ट पड़ेगा, ये हमारा 20,000 का नेट इंपैक्ट आ गया। ये हमारी नेट अमाउंट दिशिता के, जो दिशिता कंस्ट्रक्शन है उसके 92 के पीएनडल या इनकम स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होगा। हम टोटल 20,000 को वहां पर दिखाएंगे। तो ये हमारा एक और टॉपिक आगे बढ़ा कि जिसमें हमें फ्यूचर के लिए क्या निकालना है, प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस की कैलकुलेशन करनी है। नाउ क्लियर है बिल्कुल ये वाला पॉइंट भी? ये सब अब अगले पार्ट में काम आएंगे, पॉइंट नंबर 7 में। अभी चलिएगा पॉइंट नंबर 7। हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर, हाउ टू कैलकुलेट अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर और ड्यू टू कस्टमर टू बी शोन, टू बी शोन इन बैलेंस शीट, अब हमारी जो A7 की अगली कैलकुलेशन है वो किस चीज को लेकर है, बैलेंस शीट का एक अमाउंट हमें निकालना है कि हमें हमारे कस्टमर से लेना बनता है या हमें अपने कस्टमर को अब देना बनता है। व्हाट डज इट मीन, अगर मान लो हमने उसके लिए काम कम किया लेकिन उससे हमने अमाउंट ज्यादा ले लिया, कैश ज्यादा रिसीव हो गया, तो इसका मतलब ये अमाउंट ड्यू टू कस्टमर बनेगा जो हमारी एक लाइबिलिटी के रूप में शो होगा। लेकिन अगर मान लो हमने उसके लिए काम ज्यादा कर दिया तो ड्यू टू द एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग हम उससे उतना पैसा मांगते हैं, लेकिन उसने हमें जो कैश दिया वो कम दिया, तो यानी बाकी का पैसा क्या होगा कि अभी भी हम उससे मांगते हैं, तो विच इज नोन एज ड्यू फ्रॉम कस्टमर। तो ड्यू फ्रॉम कस्टमर विल बी शोन इन असेट साइट ऑफ आवर बैलेंस शीट। तो कैसे इसको निकाला जाता है, तो लिखिएगा स्टेटमेंट शोइंग ड्यू फ्रॉम ऑब्लिक ड्यू टू
कस्टमर, हमें ये निकालना है। अब एक सिंपल से पॉइंट पर हम चलते हैं, देखो सुनना, मैं कस्टमर से कितना पैसा मांगूंगा, जितना मैंने उसके लिए काम कर दिया। यानी सबसे पहले मैं कस्टमर को बोलूंगा, देखो भाई कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट, अगर मैंने तुम्हारे लिए कंस्ट्रक्शन वर्क के दौरान इतनी कॉस्ट इनकर्ड करती कर दी है, तो यानी ये पैसा अब मैं तुमसे मांगता हूं। ये तो मैंने काम कर दिया तुम्हारे लिए, ठीक है, प्लस करोगे प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज्ड। साथ में मेरा इस समय तक का जितना प्रॉफिट बनता है वो भी तुम मुझे दोगे, साथ में इस समय तक मेरा जितना क्या बनता है, प्रॉफिट बनता है, वो प्रॉफिट भी तुम मुझे दोगे। तो क्या क्या लूंगा उससे, एक तो जितनी मैंने कॉस्ट इनकर्ड कर दी और प्लस उसमें मेरा जो प्रॉफिट बना। लेकिन अगर प्रॉफिट के बजाय नुकसान हो गया तो मेरा उससे मांगा जाने वाला पैसा कम हो जाएगा। भाई मैंने प्रॉफिट के अमाउंट को ऐड कर दिया, तो अगर लॉस, क्या चीज, हाँ, बिल्कुल, अच्छा आप ये बोल रहे हो कि इसको हम इसको लिखे, हाँ वो कोई वो नहीं, ये लो, नहीं, फ्यूचर वाला तो इसलिए एक्चुअली में समझे नहीं आप। अगर जैसे मान लो हमारे पास 2 साल का होगा तो हम हर साल का अलग अलग बनाएंगे ना, ठीक है, उसको हम लिख देते हैं प्रॉफिट ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड, लिख दो, ज्यादा सही रहेगा, वो कंफ्यूजन नहीं होगा। प्लस कर दो प्रॉफिट रिकॉग्नाइज्ड, प्रॉफिट रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, ये प्रॉफिट रिकॉग्नाइज्ड आ गया। अगर प्रॉफिट रिकॉग्नाइज्ड ऐड हो रहा है तो लॉसेस रिकॉग्नाइज्ड क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो माइनस करेंगे लॉस रिकॉग्नाइज्ड। और माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस, क्योंकि अगर फ्यूचर के लॉस का मैंने आज प्रोविजन बनाया है तो वो तो मेरे आज ही के पीएनडल से चार्ज हो जाता है। तो क्या लेस हो गया, एक तो लॉस हटा दिया मैंने और एक उस लॉस पर क्या हटा दिया, प्रोविजन। नाउ इसमें से माइनस करूंगा प्रोग्रेस बिलिंग, प्रोग्रेस बिलिंग्स, समझना, प्रोग्रेस बिलिंग का मतलब है कितने का बिल मैंने तैयार करके उसको भेज दिया है। इट इज नॉट नेसेसरी कि उसने मुझे पूरा पैसा दे दिया हो, बट वी आर फॉलोइंग द मर्केंटाइल बेसिस। तो अगर आज हमने कोई बिल बनाकर दे दिया, हो सकता है ईयर एंड तक कैश नहीं मिला हो, बट आप उस सेल को भी तो लिखते हो जो आपको अभी तक पैसा नहीं दिलवाती है। जैसे क्या हमने पीएनडल में क्रेडिट सेल लिखी है कि नहीं लिखी, लिखते हैं हमेशा मर्केंटाइल पर, लेकिन पैसा तो बाद में मिलता है। तो हम वही चीज कर रहे हैं, तो हम ये क्या माइनस कर देंगे इसमें से, जितने की हमने बिलिंग्स बना दी है। समझो इतना पैसा हम उससे मांगते थे, उसमें से इतना तो उसने दे ही दिया ना आपको। अब बिलिंग्स का मतलब क्या होता है, इसमें दो चीजें आती हैं, कैश रिसीव्ड, उस बिलिंग्स में से कुछ तो उसने आपको क्या दे दिया होगा, और प्लस येट टू बी रिसीव्ड, हमने बिल तो बना दिया था लेकिन अभी तक उसने मुझे पैसा नहीं दिया। दोनों माइनस होंगे, ध्यान रखना प्रोग्रेस बिलिंग में दोनों चीजें माइनस होंगी, कैश जितना हमें मिल गया है और या हमने बिल तो बना दिया बट उसने अभी तक हमें कैश नहीं दिया, दोनों माइनस कर देंगे। ये जो बचेगा ये बनेगा हमारे पास अमाउंट ड्यू टू कस्टमर, अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर इफ पॉजिटिव वैल्यू,
अगर ये पॉजिटिव वैल्यू बचती है तो इसका मतलब इतना पैसा अभी हमें और लेना बनता है, और अगर ये वैल्यू नेगेटिव बन गई तो अमाउंट ड्यू टू कस्टमर बन जाएगा, यानी अब हमें उसे पैसा देना बनता है इफ नेगेटिव। बोलो क्लियर है? वापस से एक बार देख लेना, हम क्या बोल रहे हैं, इतना पैसा हम उससे मांगते हैं क्योंकि हमने उसके लिए काम कर दिया, प्लस उस कॉस्ट में हमारा जो प्रॉफिट हमने रिकॉग्नाइज किया वो भी हम उससे मांगते हैं, लेकिन अगर लॉसेस हो गया तो उससे मांगी जाने वाली जो मनी है वो कम हो जाएगी। तो यानी मैं यहां तक जब पहुंचा तो मुझे ये पता लग गया कि मैं उससे टोटल अब कितना पैसा मांगता हूं, उसमें से माइनस कर दूंगा जितने का मैंने बिल तैयार कर दिया है, यानी जितने की हमारी क्या हो गई है, प्रोग्रेस बिलिंग्स। प्रोग्रेस बिलिंग ऑलवेज इंक्लूड टू टर्म्स, कैश रिसीव्ड प्लस येट टू बी रिसीव्ड। ठीक है, अब ये वैल्यू अगर पॉजिटिव बनी तो ड्यू फ्रॉम कस्टमर कहलाएगा, तो इसको तो हम दिखाएंगे असेट साइड में, ये तो हमारे लिए क्या बन गया, असेट, और अगर ड्यू टू कस्टमर है तो इट विल बी अवर, ये हमारी लाइबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ये हमारी लाइबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक हमारे पास इन्हीं क्वेश्चंस में एक और चीज मांगी जाती है कि हमें बैलेंस शीट में ड्यू टू कस्टमर या ड्यू फ्रॉम कस्टमर निकालना होता है, और इसीलिए कई क्वेश्चंस में हमें प्रोग्रेस बिलिंग वगैरह की इंफॉर्मेशन दे रखी होती है, ताकि हमें साथ में क्या निकालना है कि बैलेंस शीट में हमारा क्या अमाउंट जाएगा। जैसे देखो, हमने अभी क्वेश्चन नंबर 4 किया था ना, उसमें ये सारा भी डेटा था हमारे पास। तो चलिए एक बार वापस से हम आते हैं पीछे, क्वेश्चन नंबर 4 को कंटिन्यू में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नहीं, सबसे पहले 4 वाला जो किया था उसमें भी था ना सारा डेटा, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर ऑब्लिक ड्यू टू कस्टमर। बताइए कॉस्ट इनकर्ड कितनी थी हमारी, 605। प्रॉफिट आया था कि लॉस आया था इसमें, नहीं, पहले लॉस भी तो था ना। हाँ, तो बस दोनों चीजें लेस हो जाएंगी, तो लेस करेंगे लॉस रिकॉग्नाइज्ड, लॉस रिकॉग्नाइज्ड कितना, 55। फिर लेस कर देंगे प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस कितना था, तो यानी टोटल 100, तो कितना बच गया ये, यानी बेसिकली हम उससे 505 मांगते हैं बस, लेकिन बिलिंग कितने की बना दी है हमने, बिलिंग देखो, इसमें से लेस करेंगे प्रोग्रेस बिलिंग, प्रोग्रेस बिलिंग्स। इसने क्या बोला है, 400 रुपए तो आपको रिसीव हो गए और प्लस 140 टू बी रिसीव्ड होंगे। व्हाट डज इट मीन, बिल तैयार हो चुका है बट उसने अभी तक दिया नहीं था हमें पैसा, तो यानी कितने का बिल हो गया, ये देखो हम उससे मांगते कितना है, हम उससे कितना मांग रहे थे, नहीं, हम उससे मांग रहे थे 505, यही तो मांगेंगे अभी पहले साल उससे, केवल हम 505 मांग रहे थे और उसने हमें बिलिंग कितने की बन गई,
यानी हमने रेवेन्यू ज्यादा रिकॉग्नाइज कर दी ना, तो इट विल क्रिएट अ लाइबिलिटी, ये हमारी बुक्स में क्या क्रिएट कर देगा, तो ये आ गया ड्यू टू कस्टमर अमाउंट ड्यू टू कस्टमर कितना आ गया 35, ब्रैकेट में दिखा दो शोन एज लाइबिलिटी, शोन एज लाइबिलिटी, इस अमाउंट को हम एज अ लाइबिलिटी अपनी बुक्स में दिखा देंगे। आगे अभी कौन सा किया था हमने, फिर उसके बाद 20 इसमें भी दे रखे हमें, चलिए तो 22 में भी हम निकाल लेते हैं, हालांकि इसमें पूछा नहीं है, बट हम एक बार फॉर द पर्पस ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 22 में, चलिए प्रोजेक्ट वन है एक तो हमारे पास और एक हमारे पास प्रोजेक्ट टू है। सबसे पहले कॉस्ट इनकर्ड, टू लैख 40,000 और 2,80,000, प्लस प्रॉफिट रिकॉग्नाइज्ड, प्रॉफिट रिकॉग्नाइज्ड कितना है, यहां तो था 40, यहां डैश नीचे लिख देंगे, माइनस करेंगे लॉस रिकॉग्नाइज्ड डैश और 17,500, देन हमने प्रोविजन भी बनाया था, तो लीजिए माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस कितना 2,500, ये लीजिए। ठीक है, अब क्या माइनस करेंगे इसमें से, प्रोग्रेस बिलिंग, प्रोग्रेस बिलिंग बताओ पहले केस में प्रोग्रेस बिलिंग कितनी है, हाँ क्योंकि बिल्ड टू कस्टमर दिया हुआ है, अब रिसीव्ड अलग से नहीं जोड़ना क्योंकि बिल्ड टू कस्टमर में दोनों बातें जुड़ी हुई होती हैं, यानी इसका मतलब हुआ कि 150 में से 90 तो हमें कैश मिल गया और 60,000 अभी येट टू बी रिसीव्ड है, बट हमने जो टोटल बिलिंग की वो कितनी की, तो बस माइनस जो करोगे वो केवल 150 करोगे, और दूसरे में टू लैख 70,000। चलिए अब निकाल लेते हैं ड्यू टू या ड्यू फ्रॉम कस्टमर, ड्यू फ्रॉम ऑब्लिक टू बताओ पहले में 280 हो गया टोटल, 280 में से 150 हमें मिल गए तो कितना बचा 130, तो ये तो पॉजिटिव बचा, अब इधर आ जाओ, इधर था 280 उसमें से 20 ये माइनस हो गए तो कितना बचा 260, लेकिन मिल 270 गया तो 10,000 हमारा एक नेगेटिव शो हो जाएगा। तो ये तो शो हो गया एज एन असेट और ये शो हो जाएगा एज अ लाइबिलिटी, ये तो आ गया आपका एज असेट और ये आ जाएगा हमारे पास एज लाइबिलिटी।
वही है। हाँ कलेक्शन तो मतलब कैश रिसीव्ड हो गया। हाँ वो तो इसमें इंक्लूड हो गया, अभी इनका भी यूज आएगा, अभी एस खत्म नहीं हुआ ना। अगर ये इंफॉर्मेशन दी है तो कहीं ना कहीं इस एस ने इन सारी बातों को बोला है। चलिए क्लियर ये वाला पॉइंट। तो ये हमारे पास पॉइंट नंबर कौन सा था, सेवेंथ पॉइंट था, जिसमें हमने एक बैलेंस शीट की वैल्यू को कैलकुलेट करना सीखा कि आपको बैलेंस शीट में अमाउंट ड्यू टू कस्टमर या ड्यू फ्रॉम कस्टमर कैसे दिखाना है। नाउ द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस एएस एट, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट अंडर AS 7। एट पॉइंट डालेंगे, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट अंडर AS 7 कि AS 7 में किन किन बातों को आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो हम एक चार्ट बनाते हैं कि क्या क्या बातें आपको डिस्क्लोज करनी होती हैं। देखो पहला पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू टिल डेट, यानी आपकी क्या कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आपने लिखी है वो आ जाएगी। सेकेंड, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट, आपको कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट दिखानी पड़ती है, ये आपका डिस्क्लोजर में आएगा। प्रॉफिट रिकॉग्नाइज्ड, ये आपके पास प्रॉफिट रिकॉग्नाइज्ड आ जाएगा। देन लॉस रिकॉग्नाइज्ड आ जाएगा। देन अगला डिस्क्लोजर होगा प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस, जो भी आपने प्रोविजन बनाया है इसको आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। फिर उसके बाद अगला डिस्क्लोजर है अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर ऑब्लिक ड्यू टू कस्टमर, जो भी हमने अभी वर्किंग करके निकाला था ना, अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर या ड्यू टू कस्टमर। देन अगला डिस्क्लोजर है प्रोग्रेस बिलिंग्स, जो भी प्रोग्रेस बिलिंग का अमाउंट है इसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। नेक्स्ट डिस्क्लोजर है कैश रिसीव्ड, मतलब ये सारे डिस्क्लोजर, अकाउंट थोड़ी बनता है, ये सारे डिस्क्लोजर एक स्टेटमेंट ऐसा ही बनेगा आपका। हाँ जो मैं ये स्टेटमेंट बना रहा हूं ऐसा ही स्टेटमेंट, बस यहां पर सारे अमाउंट लिखते जाओगे आप। तो कैश रिसीव्ड जितना हो गया वो सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। फिर नाइन्थ नंबर पर अमाउंट येट टू बी रिसीव्ड आएगा, अमाउंट येट टू बी रिसीव्ड, यानी जितना अमाउंट अभी और मिलना बाकी है ये सारा, इसलिए आपको ये कैश रिसीव्ड की अमाउंट दिए हुए होते थे, क्योंकि इट विल बी सेपरेटली डिस्क्लोज्ड अकॉर्डिंग टू AS। तो ये आ गया आपके पास अमाउंट येट टू बी रिसीव्ड। टेंथ, मेथड यूज्ड टू कैलकुलेट स्टेज ऑफ कंप्लीशन,
स्टेज ऑफ, आपको ये भी डिस्क्लोज करना पड़ता है कि आपने किस मेथड को यूज किया है स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालने के लिए, क्योंकि हमने तीन मेथड पढ़े हैं, कॉस्ट मेथड, लेबर आवर्स मेथड और सर्वे मेथड। बट जनरली हमारे पास जो भी क्वेश्चन रहते हैं वो किसके थे, तो बस इसके सामने इस तरह से लिख दिया जाएगा कि कॉस्ट मेथड हम यूज कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ स्टेज ऑफ कंप्लीशन। तो कितनी बातें हो गई, हमें ये 10 बातें क्या करनी पड़ती हैं, डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं अंडर A7। तो दिस इज द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ A7, देख लो एक बार। ठीक है, हाँ, कि भाई हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ स्टेज ऑफ कंप्लीशन। देखिए कंटिन्यू कर दो, क्वेश्चन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्वेश्चन नंबर 4 में बना देते हैं हम साथ ही। डिस्क्लोजर्स अंडर AS7। चलिए एक स्टेटमेंट बना देते हैं, इसमें जितनी जितनी बातें हमारे पास हैं हम सबको क्या करते जाएंगे, डिस्क्लोज करते जाएंगे। बताइए, सबसे पहले थी हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू टिल डेट। बताओ इस साल की कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितनी निकाली थी हमने, 55% निकाली थी ना, 1000 × 55%, तो दैट इज 550, ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू टिल डेट थी। सेकंड हम लिखते हैं कॉस्ट इनकर्ड, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट, तो हमारी कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट थी 605, ये हमारा दूसरा डिस्क्लोजर आ गया, डिस्क्लोजर नंबर 3। लॉस रिकॉग्नाइज्ड, तो किसमें लॉस हुआ था, लॉस रिकॉग्नाइज्ड बताओ कितना, 55। फिर अगर हमने प्रोविजन बनाया है तो फोर्थ नंबर पर प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस कितना, ये हमारा अगला डिस्क्लोजर आ गया। इसके बाद बताओ क्या था, तो बताओ क्या आया था आपका, ड्यू फ्रॉम था कि ड्यू टू था, अभी निकाला था हमने 35, तो यहां लिख दो अमाउंट ड्यू टू कस्टमर कितना, 35। फिर अगली डिस्क्लोजर क्या है, प्रोग्रेस बिलिंग, प्रोग्रेस बिलिंग्स बताओ कि प्रोग्रेस बिलिंग हमारी हो गई 540। फिर अगला डिस्क्लोजर क्या है, हाँ तो अलग अलग लिखते हैं ना आप, देखो डिस्क्लोजर के पॉइंट पढ़ो। हाँ, वो तो अलग से लिखना ही है ना अपने को। हाँ, कैश रिसीव्ड कितना है, कैश रिसीव्ड है 400 और येट टू बी रिसीव्ड, येट टू बी रिसीव्ड कितना, 140। और क्या लिखना है, अगला डिस्क्लोजर बताओ क्या है। हाँ तो अब आ जाएगा हमारा मेथड यूज्ड टू कैलकुलेट स्टेज ऑफ कंप्लीशन। स्टेज ऑफ कंप्लीशन के लिए हम जो मेथड यूज कर रहे हैं तो यहां लिख देंगे कॉस्ट मेथड, दिस इज अवर कॉस्ट मेथड। तो ये हमारा इस तरह से क्या हो गया, इस पूरे फोर्थ क्वेश्चन का हमने डिस्क्लोजर दिखा दिया कि अकॉर्डिंग टू A7 हम इस तरह से अपना क्या करते हैं, डिस्क्लोजर्स को दिखाया जाता है कि आपका क्या डिस्क्लोजर है अकॉर्डिंग टू A7।
ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर वन, देखिए क्या बोल रहे हैं। बी अंडरटुक अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर ₹15 लाख ऑन एन अरेंजमेंट दैट 80% ऑफ द वैल्यू ऑफ वर्क डन एज सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टी शुड बी पेड इमीडिएटली एंड द रिमेनिंग 20% बी रिटेन्ड अंटिल द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड। इन 2005 द अमाउंट एक्सपेंस्ड वर 3,60,000, वर्क सर्टिफाइड फॉर 3 लाख एंड 80% ऑफ दिस वॉज पेड एज एग्रीड। इट वॉज एस्टिमेटेड दैट फ्यूचर एक्सपेंडिचर टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी ₹10 लाख। इन 2006 द अमाउंट एक्सपेंडेड वर 4,75,000, 3/4 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वॉज सर्टिफाइड एज डन बाय 31st December एंड 80% ऑफ दिस वॉज रिसीव्ड अकॉर्डिंगली। इट वॉज एस्टिमेटेड दैट फ्यूचर एक्सपेंडिचर टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी ₹4 लाख। इन 2007 अमाउंट एक्सपेंस्ड वर 3,10,000 एंड ऑन 30th June द होल कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड। शो हाउ द कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू वुड बी रिकोगनाइज इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईच ईयर। 3 साल का हमारा कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 15 लाख है, तो हमें इस पे सारे पॉइंट्स को कैलकुलेट करना है। देखिएगा हमारी स्टेप वन क्या होती थी, कैलकुलेशन ऑफ स्टेज ऑफ कंप्लीशन, स्टेज ऑफ कंप्लीशन 2005, 2006 एंड देन 2007। चलिए सबसे पहले हम क्या लेते थे, कॉस्ट इनकर्ड, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट, यानी हम जिस पर्टिकुलर पीरियड पर बात कर रहे हैं वहां तक आप कॉन्ट्रैक्ट पर कितना खर्चा कर चुके हैं। तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है, 2005 में आपने 3,60,000 रुपए खर्च किए। नाउ 2006 में 4,75,000, ध्यान से समझना, वी मस्ट कैलकुलेट कि आपने 2006 तक कितना खर्चा किया। तो 2005 में 3,60,000 रुपए आप खर्च कर चुके हैं और 4,75,000 आपने 2006 में किया, तो टिल डेट तक का खर्चा, तो 3,60,000 प्लस 4,75, यानी आपने टिल डेट 8,35,000 का खर्चा कर दिया। देन अब आपने 2007 में 3,10,000 रुपए और खर्च किए, तो टिल डेट के लिए आपके पास आ जाएगा 11,45,000। बोलिए क्लियर, बिल्कुल। हमें चाहिए कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट, 2005 तक हमारा खर्चा 3,60, 2006 तक हमारा खर्चा 8,35, विच इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन 2005। चलिएगा नाउ अब हमें टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट चाहिए। तो देखिए इसने क्या बोल रखा है, इट वॉज एस्टिमेटेड दैट फ्यूचर एक्सपेंडिचर टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपेंसेस टू बी इनकर्ड, एक्सपेंसेस टू बी इनकर्ड। 2005 में हमने ये सोचा था कि इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने में 10 लाख का खर्चा और लगेगा, तो यानी हमें फ्यूचर कॉस्ट दी हुई है 10 लाख।
फिर इन द 2006 हमने ये सोचा था कि फ्यूचर का खर्चा 4 लाख रुपए और लगेगा, तो 4 लाख रुपए और लगा। अब फ्यूचर का कोई खर्चा नहीं लगेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो ये लीजिए हमारे पास टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आ गई, टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 13,60,000, 12,35,000 और 11,45,000। ये हमारे पास आ गई टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। लीजिए हमारे पास कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट आ चुकी है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आ चुकी है, तो क्या हम स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकाल सकते हैं? लीजिए स्टेज ऑफ कंप्लीशन या परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन 3,60,000 डिवाइडेड बाय 13,60,000 इंटू 100। ये लीजिए 3,60,000 डिवाइडेड बाय 13,60, तो 26.47%, 8,35,000 डिवाइडेड बाय 12,35,000 इंटू 100, 8,35 डिवाइडेड बाय 12,35, तो ये आ गया 67.61%। इधर आ जाए 11,45,000 डिवाइडेड बाय 11,45,000 इंटू 100, तो ये आ गया हमारे पास। लीजिए दिस इज अवर स्टेप नंबर वन। हमने हर साल के लिए क्या निकाल लिया, स्टेज ऑफ कंप्लीशन को कैलकुलेट कर लिया, दैट इज अवर स्टेज ऑफ कंप्लीशन। देख ले बिल्कुल क्लियर है। चलिएगा स्टेप नंबर टू, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। अब बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। अब देखिए आपकी इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू थी 15 लाख। देयर विल बी नो एडिशन और डिडक्शन ड्यूरिंग 3 ईयर्स। आपको क्वेश्चन में आगे के 3 सालों में कोई चेंज नहीं दे रखा है, तो व्हाट डज इट मीन कि आपकी जो इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू थी वही आपके इस कॉन्ट्रैक्ट की रेवेन्यू बनी, तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू हो गई हमारे पास 15 लाख। लीजिए दैट इज अवर स्टेप नंबर टू, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आ गई 15 लाख। नाउ स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज्ड, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज्ड। अब हमें 3 सालों के प्रॉफिट रिकॉग्निशन निकालने हैं, 2005, 2006 एंड देन 2007। चलिएगा सबसे पहले हम लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, रिकॉग्नाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड। अब देखना बहुत ध्यान से, आपकी रेवेन्यू थी 15 लाख इंटू आपका स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितना आया था पहले साल का, 26.47, तो 26.47%।
बताइए, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है 15 लाख इंटू 26.47%, 397050, तो ये आ जाएगा 397050। इधर आपकी कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है 15 लाख इंटू स्टेज ऑफ कंप्लीशन था 67.61%, 15 लाख इंटू 67.61%, 10,14,150। देन इधर आपके पास आ जाएगा 15 लाख इंटू 100%, 15 लाख इंटू 100%, तो डेट इज 15 लाख। ये लीजिए, बेस्ड ऑन द स्टेज ऑफ कंप्लीशन हमने क्या ले लिया, हमारी कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लिया। देन इसमें से लेस कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड। तो देखिएगा, फर्स्ट ईयर में कितनी कॉस्ट इनकर्ड हुई थी, 3,60,000, तो ये आ गया 3,60,000। सेकेंड ईयर तक हमारा खर्चा हो गया था 8,35,000, तो हमारा खर्चा 8,35,000। एंड इन द थर्ड ईयर यहां तक हमारा खर्चा हो गया था 11,45,000। ये हमारी कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा प्रॉफिट टिल डेट, प्रॉफिट टिल डेट, दैट इज अवर प्रॉफिट टिल डेट। निकालेंगे प्रॉफिट टिल डेट। तो देखिए, पहले साल की रेवेन्यू बुक की थी आपने 397050 माइनस 3,60,000, तो दैट इज 37050। सेकेंड ईयर में 10,14,150 माइनस 8,35, दैट इज 179150। देन थर्ड ईयर में 15 लाख माइनस 11,45,000, तो दैट इज 3,55,000। ये हमारे पास आ गया प्रॉफिट टिल डेट। देन इसमें से माइनस कर देंगे प्रॉफिट ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड, यहां पर तो डैश, यहां 37050 और यहां आ जाएगा 179150। तो लीजिए, हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया या प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ये आ जाएगा 3,7050। दिस इज अवर प्रॉफिट फॉर द पीरियड 37050। देन 179150 माइनस 37050, दैट इज 142100। ये हमारा सेकेंड ईयर का प्रॉफिट, एंड इन थर्ड ईयर 355 माइनस 179150, दैट इज 175850। ये लीजिए, ये हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया। क्लियर? बिल्कुल।
देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 70 ध्यान से समझना। देखिए क्या बोल रहा है, देखिएगा, दिशिता लिमिटेड एंटर्ड इन टू एन एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैम एंड हाइडल प्रोजेक्ट अक्रॉस द रिवर, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड बींग 3 ईयर्स, द कंसिडरेशन वॉज एग्रीड एट ₹200 करोड़ एंड द इनिशियल कॉस्ट एस्टिमेट ऑफ द कंपनी वॉज ₹190 करोड़, द कंपनी इनकर्ड ₹65 करोड़, ₹90 करोड़ एंड 55 करोड़ रेस्पेक्टिवली इन द 3 ईयर्स, द कॉस्ट इनकर्ड इन ईयर टू इंक्लूड्स ₹15 करोड़ टूवर्ड्स द एडिशनल वर्क फॉर विच द गवर्नमेंट एग्रीड फॉर अ प्राइस इंक्रीज ऑफ ₹18 करोड़। सेकेंड ईयर में एक एडिशनल वर्क आया है जिसके लिए आपको 15 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे और गवर्नमेंट ने एग्री किया है कि इसकी वजह से आपकी रेवेन्यू को 18 करोड़ से बढ़ा दिया जाएगा। ऑल्सो द कंपनी इज एंटाइटल टू रिसीव अ 0.5, करेक्शन करेंगे 0.05 लिखा हुआ है, इसको आप क्या कर लें 0.5 कर देंगे, 0.05 जो लिखा हुआ है आप इसे क्या करेंगे 0.5, ठीक है। इंसेंटिव ऑन द ओरिजिनल प्राइस एग्रीड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट विद इन 3 ईयर्स, दिस इंसेंटिव वॉज ऑल्सो प्रॉम्प्टली रिसीव्ड बाय द कंपनी, डिटरमिन द कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कॉस्ट एंड प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज इन ईच ऑफ द 3 ईयर्स इन अबव सिचुएशन। नाउ अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको ना तो फ्यूचर की कॉस्ट दी हुई है और ना ही टोटल कॉस्ट दी हुई है, तो हमारे सामने एक सबसे बड़ी समस्या है कि हम स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैसे निकालेंगे। बिल्कुल ध्यान से इस पॉइंट को आपको समझना है। कैलकुलेशन ऑफ स्टेज ऑफ कंप्लीशन ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री। सबसे पहले हम लेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट। ध्यान से देखना, आपको क्या दिया हुआ है, हमने पहले साल कितना खर्चा किया है, तो हमारा फर्स्ट ईयर का जो खर्चा है वो कितना है 65। नाउ सेकंड ईयर में हमने 90 और खर्च किए, तो यानी टिल डेट तक कितना खर्चा हो गया, 65 ऑलरेडी कर चुके थे और सेकंड ईयर में आपने 90 का खर्चा और किया, तो कितना हो गया 65 प्लस 90 दैट इज 155, तो ये आपके पास आ गया 155। ईयर थ्री में आपने 55 करोड़ और खर्च कर दिए, तो देखिए ईयर टू तक 155 खर्च हो चुका है और प्लस आप 55 करोड़ और खर्च करेंगे, तो 155 प्लस 55 तो दैट इज 210। नाउ कॉस्ट टू बी इनकर्ड, कॉस्ट टू बी इनकर्ड। नाउ लिसन केयरफुली, अब एक समस्या हमारे पास आ गई, हमारे पास क्वेश्चन में कॉस्ट टू बी इनकर्ड का डेटा नहीं है और ना ही हमारे पास टोटल कॉस्ट का डेटा है, ना तो हमारे पास कॉस्ट इनकर्ड इन फ्यूचर का डेटा है और ना ही टोटल का। तो नाउ वी फॉलो वन अजम्पशन ऑफ अवर एएस, या अगर हम बात करें कि वी
अज्यूम सम डेटा टू कैलकुलेट द फ्यूचर कॉस्ट। देखिएगा हम क्या समझ रहे हैं कि अगर हमें फ्यूचर की कॉस्ट नहीं दी हुई है तो वी अज्यूम कि हमने वही चीज एस्टीमेट की होगी जो हमारा फ्यूचर में नॉर्मल सर्कमस्टांसेस का एक्चुअल खर्चा है। वापस सुनना, फ्यूचर की कॉस्ट को कैसे एस्टीमेट किया जाएगा? तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, हम ये अज्यूम करेंगे यहां पर खड़े होकर हमने जो फ्यूचर का खर्चा सोचा होगा वो सोचा होगा जो उस कॉन्ट्रैक्ट पर हमारा आगे के सालों में एक्चुअल खर्चा हुआ है, बट इट डज नॉट इंक्लूड एनी एडिशन और डिलीशंस। ध्यान से सुनना, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां खड़े होकर बात करता हूं, देखिएगा मेरे को यह सोचना है फर्स्ट ईयर के एंड पर कि आगे के सालों में क्या लगेगा। तो मैंने कहा देखो अगर सेकंड ईयर में एक्चुअल खर्चा 90 हुआ है, लेकिन क्या इस 90 में कोई एडिशनल वर्क, कोई इंसेंटिव, कोई भी चीज ऐसी कॉस्ट जो एडिशनल वर्क की वजह से आई है, तो इसमें से मैं माइनस कर दूंगा 15। आप समझिएगा कॉन्ट्रैक्ट के स्टार्टिंग में मुझे यह नहीं पता होगा कि किसी पर्टिकुलर ईयर में कोई एडिशनल वर्क आने वाला है, वो वर्क तो जब आएगा तभी पता लगेगा। मैं ये बोल रहा हूं कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ होगा तो मेरा एक इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, तो मैं ये देखना चाह रहा हूं कि फ्यूचर के ईयर्स में उस इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट के तहत मेरा क्या खर्चा होना था, उस इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट के रेस्पेक्ट में फ्यूचर में मैंने जितना भी खर्चा किया वही मैं अपना फ्यूचर कॉस्ट एस्टिमेशन अज्यूम करूंगा। अब जरा सोचो सेकंड ईयर में कोई एडिशनल वर्क आया तो क्या मैंने इस बारे में पहले साल सोचा होगा? नहीं सोचा होगा। पहले साल मुझे सपना तो नहीं आएगा ना, सपना तो कि भाई सेकंड ईयर में कोई एडिशनल वर्क आने वाला है। मैं ये मान के चलूंगा कि जो इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट एग्री हुआ था उसके अकॉर्डिंग ही मेरा खर्चा लगता। तो इस 90 में 15 वो शामिल हैं जो कि सेकंड ईयर का एडिशनल वर्क है, तो उस एडिशनल वर्क को हटा दो तो बाकी मैं ये मानूंगा कि वो कॉस्ट मेरी क्या है, इनिशियली कॉस्ट थी कॉन्ट्रैक्ट की और यही मैंने एस्टिमेट की होगी, प्लस तीसरे साल का 55, ये नॉर्मल कॉस्ट है। तो दिस विल बी द कॉस्ट टू बी इनकर्ड, दिस विल बी द कॉस्ट टू बी इनकर्ड, 90 माइनस 15 प्लस 55, दैट इज 130, दैट इज 130। बोलो क्लियर है? बिल्कुल। थोड़ा सा एनालाइज करें, सिंस हमारे पास फ्यूचर की कॉस्ट से रिलेटेड डेटा नहीं है तो वी अज्यूम कि आगे के सालों में हम जिस ईयर पर खड़े होकर फ्यूचर का एस्टीमेट देख रहे हैं तो व्हाट वी अज्यूम कि आगे के सालों में हमने इनिशियल एग्रीड कॉन्ट्रैक्ट पर जो खर्चा इनकर्ड किया वही एग्जैक्टली हमने सोचा था। तो इस 90 में से 15 क्यों हटाए गए? क्योंकि इनिशियली ये एडिशनल वर्क एग्रीमेंट में नहीं था। तो अगर ये एग्रीमेंट में नहीं था तो इसका मतलब अगर मैं अपने इनिशियल एग्रीमेंट की बात करूं तो मैंने केवल और केवल 75 लाख, क्या है ये, करोड़ है, मैंने केवल और केवल 75 करोड़ का ही खर्चा सोचा होगा, हुआ होगा मेरा मतलब एक्चुअली में। तो अगर एक्चुअल में 75 करोड़ हुआ है ऑन इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट तो वी अज्यूम कि यही मैंने फर्स्ट ईयर में सोचा था। नाउ कॉस्ट टू बी इनकर्ड, सेकेंड ईयर पर खड़े हो गए तो थर्ड ईयर में जो एक्चुअल खर्चा किया वही मैंने सेकंड ईयर में सोचा था, तो वो खर्चा कितना है, 55 डैश। ये लीजिए, ये मेरे पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट, निकालेंगे 65 प्लस 130, दैट इज 195 155 प्लस दिस 210
Now we can compute percentage of completion. Percentage of completion. खर्चा किया कितना 65 डिवाइडेड बाय 195 इंटू 100. 65 डिवाइड बाय 195 इंटू 100 33.33%. सेकेंड में आइए, खर्चा किया है 155 डिवाइड बाय 210, 155 डिवाइडेड बाय 210 इंटू 100 ये आ गया 73.81%. 210 डिवाइड बाय 210 इंटू 100 दैट इज 100%. ये लीजिए, ये हमारे पास परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आ गया. कैलकुलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू. ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री. सबसे पहले हमारी इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू. देखिएगा, व्हाट इज अवर इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू. तो इनिशियली हमने 200 करोड़ सोचे थे, तो लीजिए हमारे पास इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आ गई 200 करोड़, 200 करोड़ और 200 करोड़. ये हमारी इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू प्लस. देखिएगा, सेकेंड ईयर में एडिशनल वर्क की वजह से हमारी कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में इंक्रीज हुआ है. इंक्रीज ड्यू टू वेरिएशन, इंक्रीज ड्यू टू वेरिएशन. 18 करोड़ की रेवेन्यू इंक्रीज हुई है आपकी. इंसेंटिव पेमेंट, आपको इंसेंटिव पेमेंट मिलेगा 1. 200 इंटू 0.5 करेक्शन था क्वेश्चन में, 200 ये लीजिए. That is our contract revenue 200, 218 and 219. ये हमारे पास स्टेप टू. हमने हर साल की सेपरेट सेपरेट क्या निकाल ली, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू. स्टेप थ्री, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री. सबसे पहले लेंगे कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड. देखिएगा, 200 इंटू 33.33%, दैट इज 66.67. तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 66.67. सेकेंड ईयर में हमारी रेवेन्यू थी 218 इंटू स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितना था आपका, 73.81%. तो इंटू 73.81%, तो ये आ गया 160.91. एंड थर्ड ईयर में 219 इंटू 100%. तो दिस इज अवर कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू.
माइनस करेंगे कॉस्ट टिल डेट, कॉस्ट टिल डेट। तो देखिएगा यहां पर हमारे पास कॉस्ट टिल डेट 65, देन यहां पर थी आपके पास 155 और यहां थी आपके पास 210। तो ये हमारे पास आ गई कॉस्ट टिल डेट। तो अगर रेवेन्यू में से टिल डेट माइनस करेंगे तो क्या आएगा, प्रॉफिट टिल डेट, दैट इज अवर प्रॉफिट टिल डेट, इस समय तक का प्रॉफिट 66.67 माइनस 65, दैट इज 1.67, 160.91 माइनस 155, 5.91, 219 माइनस 210, 1.67, 5.91। तो ये हमारे पास आएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर, दैट इज अवर प्रॉफिट फॉर द ईयर, दैट इज 1.67, 5.91 माइनस 1.67, दैट इज 4.24, और 9 माइनस 5.91 3.09। ये हमारे पास प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट आ गया। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में बस एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो थी, अगर आपको क्वेश्चन में फ्यूचर की कॉस्ट का एस्टीमेशन नहीं दिया हुआ है और ना ही आपको टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट दी हुई है, तो व्हाट वी अज्यूम फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन कि हम जिस पर्टिकुलर ईयर पर खड़े हैं उससे फ्यूचर के पीरियड में जो एक्चुअल खर्चा इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट के तहत हुआ है, जो एक्चुअल खर्चा इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट के तहत हुआ है, यानी उस एक्चुअल कॉस्ट में से कोई भी वेरिएशन या एडिशनल वर्क की कॉस्ट हटा दो, उस फ्यूचर की कॉस्ट में से क्या हटा दो, फ्यूचर के इयर्स में आपको जो एक्चुअल कॉस्ट दे रखी है उसमें से आप एडिशनल वर्क की कॉस्ट हटा दो, तो आपके पास फ्यूचर की इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आ जाएगी, और फ्यूचर की उस कॉस्ट का टोटल करेंगे और हम यह ज्यूम करेंगे कि फ्यूचर की वही कॉस्ट हमने आज के साल में एज अ फ्यूचर कॉस्ट एस्टिमेट की थी, 90 थी, 90 टोटल खर्चा था, इसमें से मैंने 15 के एडिशनल वर्क की कॉस्ट हटा दी, तो ये इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट और प्लस 55 जो मेरा थर्ड ईयर में लगा। जब सेकंड ईयर में पहुंचा तो थर्ड ईयर में जो एक्चुअल लगा वही मैंने ये माना कि मैंने अज्यूम किया था कि फ्यूचर में ये खर्चा इनकर्ड होगा। बोलिए क्लियर है बिल्कुल? ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। यति कंस्ट्रक्शन हैज कंसिस्टेंटली यूज्ड द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड ऑन January 10, 2008 यति बिगिन अ वर्क ₹30 lakh कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट एट द इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एट द इंसेप्शन डेट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वॉज 22,50,000। द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू द प्रोग्रेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इनकम रिकग्नाइज इन 2008 आपको दे रखी है 3 लाख, यानी 2008 में आपने जो प्रॉफिट ट्रांसफर किया था पीएनएल में वो कितना गया था, 3 लाख रुपए। कॉस्ट इनकर्ड इन 2009 18 लाख, और एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट है आपकी 6 लाख।
इन इट्स इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009, व्हाट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट शुड यति रिपोर्ट? हमें बताना है कि 31 दिसंबर 2009 वाले ईयर में आपका कितना अमाउंट पीएनडल में ट्रांसफर होगा। तो चलिएगा, पॉइंट नंबर वन हम निकालेंगे। सबसे पहले स्टेज ऑफ कंप्लीशन, स्टेज ऑफ कंप्लीशन, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट डिवाइडेड बाय टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनटू 100। कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट डिवाइडेड बाय टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनटू 100। चलिएगा, बताएंगे कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट आपको कितनी दे रखी है? 18 लाख। अच्छा, ध्यान से समझना, ये यहां पर एक करेक्शन आप करेंगे, ये कॉस्ट इनकर्ड इन 2009 नहीं है, ये आपको दे रखी है कॉस्ट इनकर्ड टिल 2009। इसमें करेक्शन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 में कॉस्ट इनकर्ड इन 2009 नहीं है, दिस इज कॉस्ट इनकर्ड टिल 2009। ठीक है, तो टिल 2009 तक आपने 18 लाख का खर्चा किया, डिवाइडेड बाय टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 18 लाख प्लस फ्यूचर के 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। तो दैट मींस 18 लाख तो ये हो गया, डिवाइडेड बाय 24 लाख आपके पास ये आ गया, इनटू 100। तो निकालें, स्टेज ऑफ कंप्लीशन आ जाएगा 18 लाख डिवाइडेड बाय 24 लाख परसेंटेज, दैट इज 75%। सेकेंड पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, तो देखिए आपको जो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 30 लाख। इसमें कोई वेरिएशन वगैरह नहीं है, तो आपकी 30 लाख की क्या आ गई? कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। तीसरा पॉइंट, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट फॉर द ईयर 2009। अब हमें प्रॉफिट का स्टेटमेंट बनाना है फॉर 2009। चलिएगा, सबसे पहले लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आ गई, 30 लाख की टोटल रेवेन्यू का अकॉर्डिंग टू स्टेज ऑफ कंप्लीशन 75%। तो 30 लाख का 75%, 22,50,000, ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आ गई। इसमें से लेस कर दोगे कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट 18 लाख रुपए हम टिल डेट तक खर्च कर चुके हैं। ठीक है, तो बताइए आपके पास प्रॉफिट टिल डेट कितना आ गया? 9। प्रॉफिट टिल डेट
प्रॉफिट टिल डेट 4,50,000, प्रॉफिट टिल डेट आ गया 4,50,000, देन इसमें से लेस कर दो प्रॉफिट रिकॉग्नाइज्ड इन 2008, 2008 में हमने 3 लाख का प्रॉफिट ऑलरेडी अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज किया हुआ है, तो ये लीजिए प्रॉफिट फॉर 2009, हमारे पास इस साल का जो प्रॉफिट आया दैट इज 1,50,000, ये लीजिए। तो ये हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया कि जो 2009 के पीएनएल में जाएगा 1,50,000। क्लियर है? बिल्कुल। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 24, ध्यान से देखेंगे क्या बोल रहा है ये, देखिएगा। इन 2008 यति स्टार्टेड वर्क ऑन अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट दैट वाज कंप्लीटेड इन द ईयर 2009। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज 1,80,00,000 एंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वॉज टेकन फ्रॉम यतीज ईयर 2008 अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। प्रोग्रेस बिलिंग दे रखी है 66,00,000, कॉस्ट इनकर्ड दे रखा है 54,00,000, कलेक्शंस दे रखा है 42,00,000, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट आपको दे रखी है 1,08,00,000। व्हाट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट शुड यति हैव रिकॉग्नाइज्ड इन द ईयर 2008 ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट? चलिएगा, सबसे पहले हमें चाहिए स्टेज ऑफ कंप्लीशन। स्टेज ऑफ कंप्लीशन, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट डिवाइडेड बाय टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इंटू 100। कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट डिवाइडेड बाय टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इंटू 100। चलिएगा बताएं कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट कितनी है आपकी? तो कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट आपको दे रखी है 54,00,000 डिवाइड बाय एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट, यानी तो 54 तो लग चुके हैं प्लस 1,08,00,000 रुपए काम को पूरा करने में और लगेंगे इनटू 100। फिफ्टी फोर लैख डिवाइडेड बाय 1,62,00,000 इंटू 100। दैट इज 33.33%। ये हमारे पास क्या आ गया? हमारा स्टेज ऑफ कंप्लीशन आ गया। बोलिए क्लियर है स्टेज ऑफ कंप्लीशन? चलिएगा सेकेंड पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू बताइए। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आपको दे रखी है 1,80,00,000, तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आ गई आपके पास 1,80,00,000। चलिएगा तो अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट,
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लीजिएगा। सबसे पहले ले लेंगे कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आ गया 1,80,00,000 का 1/3। साठ लाख 33.33 मतलब 1/3 कर देंगे तो ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आ गई। देन इसमें से लेस कर देंगे कॉस्ट इनकर्ड, कॉस्ट इनकर्ड बताएं, कॉस्ट इनकर्ड आपको कितनी दे रखी है 54 लाख। ये हमारे पास आ गया 54 लाख, तो ये आ जाएगा प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज्ड, दैट इज प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज्ड कितना, तो ये लीजिए हम अपने इस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में कितना प्रॉफिट इस साल के लिए 2008 के लिए 6 लाख का प्रॉफिट अर्न करेंगे और ये प्रॉफिट हम अपने पीएनएल अकाउंट में शो कर देंगे। बोलिए क्लियर, बिल्कुल ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26। नाउ देखिए क्या बोल रहा है, अज्यूम अ रुपीज 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट दैट रिक्वायर्स 3 इयर्स टू कंप्लीट एंड इनकर्स अ टोटल कॉस्ट ऑफ रुपीज 4,05,000। द फॉलोइंग डेटा प्रिटेन टू द कंस्ट्रक्शन पीरियड। 5 लाख की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है और 3 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, जिसकी इनिशियल कॉस्ट आपने एस्टिमेट की है 4,05,000। सुनेंगे ध्यान से, अब आपको 3 सालों का डेटा दिया हुआ है, क्यूमुलेटिव कॉस्ट इनकर्ड टू डेट, एस्टिमेटेड कॉस्ट येट टू बी इनकर्ड एट ईयर एंड, प्रोग्रेसिव बिलिंग मेड ड्यूरिंग द ईयर एंड कलेक्शन ऑफ बिलिंग्स। द फर्म सीक्स योर एडवाइस एंड असिस्टेंस इन द प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स कीपिंग द व्यू, कीपिंग इन व्यू द रिक्वायरमेंट ऑफ A7। A7 की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए हमें 3 सालों के लिए समझाना है। तो देखिएगा सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, स्टेज ऑफ कंप्लीशन, स्टेज ऑफ कंप्लीशन, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। कॉस्ट इनकर्ड, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट, देखेंगे कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट कितनी दी हुई है आपको, 1,50,000 की कॉस्ट, फिर 3,60,000 की कॉस्ट एंड देन 4,05,000 की कॉस्ट, ठीक है, ये आपके पास क्या आ गई, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट का डेटा आ गया। नाउ आपको दे रखा है एस्टिमेटेड कॉस्ट येट टू बी इनकर्ड, दैट इज फ्यूचर कॉस्ट, कॉस्ट येट टू बी इनकर्ड, कॉस्ट येट टू बी इनकर्ड कितनी है, 3 लाख की कॉस्ट, आफ्टर दैट 40,000 की कॉस्ट, देन आफ्टर दैट डैश, तो ये आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी
दैट इज अवर टोटल कॉस्ट, 4,50,000, देन 4 लाख और 4,05,000, ठीक है, ये हमारे पास आ गई टोटल कॉस्ट। तो अब हम स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लीजिए परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, 1.5 लाख का खर्चा डिवाइडेड बाय 4.5 इंटू 100, दैट इज 33.33%। 3,60,000 का खर्चा डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100, दैट इज 90%। और यहां पर आपका खर्चा कितना हुआ है, 4,05,000। 4,05,000 का खर्चा डिवाइडेड बाय 4,05,000 इंटू 100, तो ये हमारे पास आ गया 100%। ठीक है, दैट इज अवर स्टेप नंबर वन। हमने क्या निकाल लिया, तीनों सालों का स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट किया है, देख लें बिल्कुल। नाउ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में कोई वेरिएशन नहीं है तो हमें कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 5 लाख। लिख देता हूं मैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इज 5 लाख, ठीक है। नाउ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज्ड, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज्ड, ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री। सबसे पहले हम लेंगे कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, कैसे निकाली जाती है, रेवेन्यू इनटू परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, रेवेन्यू इनटू परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। तो 5 लाख डिवाइड बाय 3, तो रेवेन्यू आएगी 166,667, देन 5 लाख का 90%, तो 4,50,000, और यहां आ जाएगा हमारे पास 5 लाख। तो ये हमारे पास तीनों सालों की अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या आ गई, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आ गई। लीजिए माइनस कर देंगे कॉस्ट इनकर्ड, कॉस्ट इनकर्ड, पहले साल आपकी कॉस्ट इनकर्ड कितनी थी, 1,50,000, फिर थी टिल डेट तक की 3,60,000, और फिर थी आपके पास 4,05,000। तो ये आपके पास आएगा प्रॉफिट टिल डेट, ये हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट टिल डेट। ये तो आ गया 16,667, इधर आ जाएगा 4,50 - 3,60, दैट इज 90,000, और 5,00,000 - 4,05,000, दैट इज 95,000। ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे प्रॉफिट
recognized earlier. यहां पर डैश 16667 और 90,000, तो ये आपके पास प्रॉफिट ऑफ रेस्पेक्टिव ईयर आ जाएगा. तो ये आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर, दैट इज 16,667. 90,000 माइनस 16,667 तो यह आएगा 73,333, एंड देन यहां आ जाएगा आपका 5,000. तो ये आपके पास प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया. ये लीजिए, ये आपका प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज्ड. नाउ इसने आपसे पूरी एडवाइस और असिस्टेंस मांगा है अकॉर्डिंग टू A7. तो हम एक और चीज इसमें कैलकुलेट करते हैं, एंड दैट इज ग्रॉस अमाउंट ड्यू टू और ड्यू फ्रॉम कस्टमर. तो लिखेंगे पॉइंट नंबर 4. कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस अमाउंट ड्यू टू और ड्यू फ्रॉम कस्टमर. ग्रॉस अमाउंट ड्यू टू या ड्यू फ्रॉम कस्टमर, ध्यान से समझिएगा. ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री, देखिएगा. सबसे पहले हमारे पास आ गई कॉस्ट इनकर्ड, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट. इस समय तक आपकी क्या कॉस्ट इनकर्ड हुई है? तो देखिए यहां पर इनकर्ड हुई थी 1,50, फिर उसके बाद सेकेंड ईयर तक टिल डेट तक खर्चा हो गया था आपका 3,60,000, एंड देन 4,05,000. ये हमारे पास आ गई कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट. नाउ प्लस करूंगा प्रॉफिट रिकॉग्नाइज्ड. प्रॉफिट रिकॉग्नाइज्ड टिल डेट, बताइए इस समय तक हमारा प्रॉफिट रिकॉग्नाइज था 16667, यहां पर हमारा प्रॉफिट रिकॉग्नाइज था 90, और यहां तक का प्रॉफिट रिकॉग्नाइज था, क्यूमुलेटिव चलेगा सारा डेटा, तो ये 95,000 आ गया. ठीक है, तो ये हमारे पास बताएं कितना टोटल आ गया, 1,66,667, 4,50,000 और 5,00,000. क्लियर यहां तक? बिल्कुल. अब इसमें से लेस कर देंगे प्रोग्रेस बिलिंग्स. क्या लेस कर देंगे? प्रोग्रेस बिलिंग्स. प्रोग्रेस बिलिंग्स, अब ध्यान से समझना, आपने पहले साल में कितनी प्रोग्रेस बिलिंग बना दी है? प्रोग्रेस बिलिंग इज 1,00,000. ठीक है, प्रोग्रेस बिलिंग्स 1,00,000. क्लियर यहां तक? बिल्कुल. सेकेंड ईयर में आपने प्रोग्रेस बिलिंग बनाई है 370, तो अगर हम क्यूमुलेटिव देखेंगे तो आप देखिएगा ध्यान से, ये सारा डेटा आपका क्या चल रहा है? क्यूमुलेटिव डेटा चल रहा है. तो अगर मुझे प्रोग्रेस बिलिंग को कंसीडर करना है तो प्रोग्रेस बिलिंग टिल डेट होनी चाहिए.
तो आपने ड्यूरिंग द ईयर प्रोग्रेस बिलिंग कितने की बनाई? आपकी प्रोग्रेस बिलिंग थी 370 की, ठीक है, और 1,00,000 आप पहले बना चुके हो, तो इस समय तक आपकी टोटल प्रोग्रेस बिलिंग हो गई 470। टोटल प्रोग्रेस बिलिंग हो गई 470। आगे बढ़ो, फिर तीसरे साल में आपने 30,000 की बिलिंग और कर दी, तो व्हाट डज इट मीन, आपकी जो टोटल प्रोग्रेस बिलिंग आ गई वो कहां तक पहुंच गई? 5,00,000, दैट इज योर प्रोग्रेस बिलिंग। अब हम निकालेंगे अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर और एक अमाउंट ड्यू टू कस्टमर। अमाउंट ड्यू टू कस्टमर, दो बातें हैं हमारे पास, ड्यू फ्रॉम कस्टमर और ड्यू टू कस्टमर। बताइए, अकॉर्डिंग टू द डेटा हम कस्टमर से यह मांगते हैं 166,667, बट हमने जो बिलिंग बनाई वो कितनी बनाई? 1,00,000, तो बाकी का पैसा अभी भी कस्टमर से ड्यू बनता है, तो ये आ जाएगा ड्यू फ्रॉम कस्टमर में 16,667। बोलो क्लियर यहां तक? बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट सुनना बहुत ध्यान से, हमने बिलिंग बनाई है 470 की, जबकि जो हमारा ड्यू बैलेंस बनता था क्यूमुलेटिव में वो 450, तो अब यहां पर हमारे पास ड्यू टू कस्टमर आ गया कितना? 20,000। इतना ही मांगते थे, इतने की बिलिंग बनी, तो ना तो ड्यू फ्रॉम कस्टमर निकलेगा ना ड्यू टू कस्टमर निकलेगा। ध्यान से देख ले, सारा डेटा हम क्यूमुलेटिव चला रहे हैं, और ड्यू टू द क्यूमुलेटिव डेटा हमें जो मेन मुद्दा याद रखना है, प्रोग्रेस बिलिंग्स मस्ट बी क्यूमुलेटिव। आपकी जो प्रोग्रेस बिलिंग होगी वो भी क्या होनी चाहिए? क्यूमुलेटिव होनी चाहिए। तो हमने प्रोग्रेस बिलिंग को क्या कर दिया? क्यूमुलेटिव कर दिया। तो अब हमारे पास अमाउंट ड्यू टू या ड्यू फ्रॉम कस्टमर कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आपके पास कभी भी मोर देन वन ईयर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि हर डेटा जब आप क्यूमुलेटिव लेंगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर मैच करेगा। क्योंकि जरा सोचिए, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है तो लास्ट ईयर तक आपकी जो टोटल प्रोग्रेस बिलिंग्स है वो क्यूमुलेटिव होकर कितनी हो जानी चाहिए? इक्वल टू द कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, कि आपकी जो प्रोग्रेस बिलिंग है वो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू के बराबर आ जाए। बोले क्लियर? तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 सीए फाइनल मई 2010। देखिएगा बहुत ध्यान से, ऑन 1 दिसंबर 2009 यति लिमिटेड अंडर टुक अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग फॉर ₹108,00,000। आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है एक बिल्डिंग को बनाने का जिसकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 108,00,000। ऑन 31 मार्च 2010 द कंपनी फाउंड दैट इट हैड ऑलरेडी स्पेंट ₹83.99 लैक्स ऑन द कंस्ट्रक्शन। अ प्रूडेंट एस्टिमेट ऑफ एडिशनल कॉस्ट फॉर कंप्लीशन वाज 36.01 लैक्स। व्हाट इज द प्रोविजन फॉर फोर्सिबल लॉस विच मस्ट बी मेड इन द फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010 बेस्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। हमें बताना है कि फ्यूचर के लॉस के लिए हमें कितना प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो देखिए, पहले हम अपना जो A7 का नॉर्मल पार्ट है उस पर चलें।
आइएगा, सबसे पहले निकालेंगे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट इनकर्ड, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट डिवाइडेड बाय टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। आइएगा बताएं, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट आपको कितनी दे रखी है? 83.99 डिवाइडेड बाय, इधर आ जाएगा 83.99 प्लस फ्यूचर का खर्चा होगा 36.01 इंटू 100। ये लीजिए एक बार जरा सॉल्व, टोटल करेंगे तो 83.99 डिवाइडेड बाय 83.99 प्लस 36.01, तो ये आ गया 120 इंटू 100। तो 83.99 डिवाइडेड बाय 120%, तो ये आ गया 69.992%, 69.992%, दैट इज अवर स्टेज ऑफ कंप्लीशन। ठीक है, नो नीड टू कैलकुलेट कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आपको 108 लाख एज इट इज दे रखी है। तो चलिए अब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बना देंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले ले लेंगे कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितनी है? 108 लाख और उस पर इनटू 69.992%, तो 108 इनटू 69.992%, ये आ गया 75.59, 75.59 लेस कॉस्ट इनकर्ड, ठीक है, कॉस्ट इनकर्ड कितनी थी? 83.99, 83.99 हमारी कॉस्ट इनकर्ड है। तो लॉस रिकॉग्नाइज्ड, लॉस रिकॉग्नाइज्ड 75.59 माइनस 83.99, तो 8.40 का हमारा लॉस रिकॉग्नाइज्ड। अब देखिएगा, बहुत ध्यान से समझना, हमारा टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है 108, जबकि हमारी जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है? 120। तो व्हाट डज इट मीन कि फ्यूचर में हमारा लॉस और बढ़ने वाला है, और एज पर द प्रूडेंट कॉन्सेप्ट ऑफ A7, फ्यूचर में हमें जितना भी लॉस होने वाला है, फ्यूचर में हमें जितना भी लॉस होने वाला है उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो देखिएगा पॉइंट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन फॉर फ्यूचर लॉस, कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन फॉर फ्यूचर लॉस। देखिएगा टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, हमारी जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है वो कितनी है? 108।
लेस टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, हमारी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का टोटल कितना है 120। तो ये हमारे पास आएगा टोटल लॉस, तो टोटल लॉस आ गया 12। इसमें से लेस कर देंगे लॉस रिकॉग्नाइज्ड फॉर द ईयर। आपने कुछ लॉस तो इस साल ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर लिया है, कितना लॉस आपने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज किया, दैट इज 8.4। तो लॉस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड कितना आ गया 8.4। तो ये आपका आ जाएगा प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस, प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस 3.6। तो ये आपके पास 3.60 का प्रोविजन बनाना पड़ेगा आपको, देख ले। बोलिए क्लियर है? बिल्कुल। तो ये आपके पास आ गया प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस।